बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि सिंघाड़े को घर पे कैसे बनाया जाता है। अक्सर लोग बनाते हैं तो ये बिल्कुल नरम से हो जाते हैं, पानी पानी से पोपले हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक्यूरेट और इतना परफेक्ट तरीका बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और ख़ास बात, जब आप इनको मार्केट से खरीदेंगे तो इनके ऊपर बहुत सी डस्ट होगी, क्योंकि ये जौहरों के अंदर, तालाबों के अंदर पकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको पहले अच्छे से एक बॉल में पानी डालकर उसके साथ आपने इसको धो लेना है, ठीक है। बहुत अहम बात है, क्योंकि हमने इसको बॉयल नहीं करना, स्टीम करना आगे जाके, ठीक हो गया। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से ये निकल आएंगे अच्छे से धो लेने के बाद। उसके बाद एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, और कोई भी रफ़ कढ़ाई ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इनको डाल देना। अब ये बिल्कुल गीले हैं अच्छी तरह से, तो इनको अच्छे से आप फैला दें ताकि ये बिल्कुल एक जैसे हो जाए। ये देखिए जी, अगर आप इनको बॉयल करेंगे ना तो ये बिल्कुल अंदर से नरम से और बेजान से, और इनका टेस्ट भी बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। सिर्फ हाफ कप के करीब आपने इनमें पानी डालना है, ये तकरीबन 1 kg के करीब है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है, और कोई भी आपने रुमाल ले लेना है, ठीक है, गीला कर लेना उसको, या कोई टावल ले लेना है। गीला कर देने के बाद आपने इसको अच्छे से कवर कर देना चारों तरफ से, ताकि इसके अंदर जो स्टीम बने वो बाहर ना निकले। और वैसे भी आपको पता है, स्टीम में बनने वाली चीज़ का टेस्ट, फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी खुशबू ज़्यादा होती है। अब आपने इसको ढांप देना है ढक्कन से, फ्लेम को हाई करना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है तकरीबन 30 मिनट तक, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें जो स्टीम है, जो भाप है, वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और हीट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अब ध्यान से आपने इसको उठाना है, और माशाल्लाह से देखें आप, ये ऑलमोस्ट डन है। अगर यहाँ पे आपको लगे कि कसर है तो आप इसको मज़ीद हल्का सा पानी का छिड़काव करके पकने दें, लेकिन 30 मिनट में ये परफेक्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कटिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अपर साइड से आपने इसकी कटिंग शुरू करनी है। अच्छा, कुछ लोग इसको ब्लैक कलर लगाते हैं, कोई सेंस नहीं बनती ब्लैक कलर लगाने की, सिवाय आपके हाथ और आपके बर्तन काले करने के, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, और देखिएगा मेरे अल्लाह की शान, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत वाइट कलर की गिरी निकली है, और हमारे हाथ भी बिल्कुल काले नहीं हुए। अब सर्व कैसे करना है, आपने जब भी इसको सर्व करना है, कोशिश कीजिएगा कि इसके ऊपर आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें, और उसके बाद इसके ऊपर खट्टी या लेमन इस तरह निचोड़ कर सर्व करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, कुक एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, केक रेसिपी के लिए, और ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।